दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने बनाने जा रही हूँ पहाड़ी मोमो, यानी कि हम लोग के पहाड़ में जो फेमस है वो मोमो है। पहाड़ में कुछ फेमस हो ना हो, मोमो बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे पहाड़ में जो घूमने आते हैं हिल्स में, तो मोमो ज़रूर खा के ही जाते हैं और यहाँ का टेस्ट याद भी रखते हैं। बात ये है कि हम लोग का कैलिम्पोंग, जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरा होम टाउन कैलिम्पोंग में, जहाँ हम लोग के कैलिम्पोंग में जिस तरह का मोमो मिलता है वो मोमो और जगह कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मेरा गारंटी है दोस्तों। तो चलिए कैलिम्पोंग स्टाइल मोमो आज बनाते हैं। और आप लोग भी कोई आए हैं कैलिम्पोंग तो कैलिम्पोंग का मोमो खाए हैं, टेस्ट लिए हैं, तो आप लोग ये मोमो देख के, इसका रेसिपी देख के आप लोग भी ज़रूर अपना अपना घर में आराम से बना सकेंगे। ये बहुत सिंपल है, मैंने बहुत कम इंग्रेडिएंट यूज़ किया है। और मैं आज बनाने जा रही हूँ मटन मोमो। तो आप कोई भी मोमो बना सकते हैं, कोई भी मीट का, चिकन का भी बना सकते हैं, मटन का भी बना सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ, ये मटन कीमा लिया है मैंने 750 ग्राम्स, और यहाँ पे मैंने प्याज चॉप्ड करके लिया है, ये भी 750 ग्राम्स ही है, क्योंकि मैं जितना कीमा ले रही हूँ उतना प्याज भी ले रही हूँ। लोग कोई कीमा ज़्यादा लेते हैं, प्याज कम लेते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना कीमा रहे उतना ही प्याज रहेगा, तो टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे फर्स्ट में डालने जा रही हूँ कीमा के ऊपर ये चॉप किया हुआ प्याज। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया पत्ता। मैं तो हर चीज़ में धनिया पत्ती यूज़ करती हूँ, और ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि मोमो में धनिया पत्ती यूज़ होगा ही होगा, ये ऑप्शनल है, मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन ये ज़रूरी है कि अदरक का पेस्ट, आपको मोमो में लहसुन का पेस्ट नहीं चाहिए, लेकिन अदरक का पेस्ट बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने लिया है सोया सॉस, ब्लैक सोया सॉस 1 चम्मच, और यहाँ पे लिया है व्हाइट विनीगर 1 चम्मच, और ये है अजीना मोटो यानी कि वीची, ये मैंने लिया है 1/2 चम्मच, और यहाँ पे मैंने नमक लिया है, ये नमक स्वाद अनुसार, स्वाद अनुसार डालिए। अब इसमें मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स मिला लिया है, आपने देखा कि मैंने क्या क्या डाला है इसमें, आप नोट कर लीजिए। तो अब इसको सब इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद अच्छी तरह से मैश करेंगे इसको। अब इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हाथ से मैश करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिलाना पड़ेगा। जितना इसको मिलाएंगे प्याज के साथ कीमा को, उतना ही मोमो टेस्टी होगा। इसको बहुत अच्छी तरह से मिलाना है। अब इसको कीमा को प्याज के साथ और दूसरा इंग्रेडिएंट के साथ मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है इस तरह से। तो मोमो के मैदे के अंदर भरने के लिए कीमा रेडी है। तो इसको लोगों से कहा कि मैंने 750 ग्राम कीमा लिया है, 750 ग्राम प्याज लिया है, ये वो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी 750 ही ले, क्योंकि मेरा, मैंने ज़्यादा लिया है यहाँ पे, 750 ग्राम लिया है। कोई 1 केजी लेता है, कोई 1/2 केजी लेता है। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा आज ज़्यादा बनाना था मोमो, इसीलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिया है, वरना आप 4-5 लोग हैं तो 1/2 केजी से भी, 500 ग्राम से भी हो जाएगा, 500 ग्राम कीमा और 500 ग्राम प्याज से भी हो जाएगा, यह आपके ऊपर है, ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ज़्यादा ही बनाओ। अब यहाँ पे कीमा भरने के लिए मैंने यहाँ पे 1 केजी मैदा लिया है, और 1 केजी मैदा को कुछ भी नहीं डालना है, बस सादा मैदा और सादा पानी। इसको पानी डाल के अच्छी तरह से नीट करेंगे और इसका अच्छी तरह से डो बनाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरा डो भी रेडी हो गया। इसको अच्छी तरह से
सॉफ्ट गूंदा गया है, मैंने अच्छी तरह से इसको नीट कर लिया है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, इसको ढक्कन लगा के। अब यहाँ पे मेरा मैदा का डो रेडी है। उसके बाद यहाँ पे मैदा के अंदर भरने के लिए कीमा भी रेडी है, और यहाँ पे मोकटू यानी कि मोमो स्टीमर को मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया है मोकटू के चारों ओर। तो यहाँ पे मोकटू भी रेडी है, मोमो स्टीमर भी रेडी है स्टीम के लिए। तो यहाँ पे अब मैं बनाने जा रही हूँ मोमो। अब मैंने मैदे का यहाँ पे छोटा छोटा बॉल बना लिया है, इतना छोटा छोटा। तो अब इसको रोटी की तरह छोटा छोटा बेलेंगे। अब यहाँ पे एक एक बॉल को इस तरह से लेंगे, और यहाँ से मैदा पाउडर लेंगे। उसके बाद इस तरह से छोटा छोटा इसको बेलेंगे, छोटा छोटा रोटी बनाएंगे इसका इस तरह से। अब एक एक रोटी को इस तरह से लेंगे, और इस तरह से चम्मच से कीमा को लेंगे और रोटी के अंदर इस तरह से भरेंगे, और इधर से साइड से डिजाइन करते जाएंगे। ये सिंपल मोमो का डिजाइन है, ये कोई भी बना सकता है ये डिजाइन। ये एकदम सिंपल है इस तरह का। तो इसी तरह से एक एक करके मैं इसी तरह का डिजाइन बनाते जाऊंगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मोमो स्टीमर में मोमो स्टीम होने के लिए रेडी है। अब मैं इसको स्टीमर में डालती हूँ। अब यहाँ पे स्टीमर में उबलते पानी में मैंने ऊपर से मोमो को रख दिया है। अब इसको 20 से 25 मिनट तक, एटलीस्ट 20 मिनट इसी तरह से स्टीम करेंगे, अच्छी तरह से बंद करके ढक्कन लगा के। ये रहा मेरा, अब स्टीम हो गया है अच्छी तरह से। 20 से 25 मिनट इसको मैंने स्टीम कर लिया है। तो ये अच्छी तरह से अब स्टीम हो चुका है, अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब इसको खाने के लिए हम लोग प्लेटिंग करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अब मैंने यहाँ पे खाने के लिए प्लेटिंग कर दिया है, हो गया है। अब मैं खाने बैठूंगी इसको। तो आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, और अपना अपना किचन में इस तरह का मेरा आज का रेसिपी आप लोगों को पसंद आया तो लाइक्स कीजिएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं अगला रेसिपी में फिर से अच्छा अच्छा रेसिपी लेके आने का कोशिश करूँगी। तब तक के लिए मैं रोशनी बानो आप लोग से विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।